What's up? Welcome back to my channel. And in today's video, I'm at Ulva Charu, which is a very popular restaurant for South Indian delicacies in Hyderabad. So, this place's name is Gachi Bauli, if I'm not wrong. And I'll put a location tag below Google location, so you can come here. I've ordered 3 dishes for starters and 2 for main course, which is coming right now. The owner was telling me he has a lot of branches in Dubai as well as USA and here as well in Hyderabad. So we will eat a lot of fish, prawns, chicken, lamb and whatever we get. Because I love South Indian food. Because South Indian food has very good spices, very good smell. So I am very much excited for it. So let's try on the South Indian food at Ulva Charu. गाइस मेरा खाना आ गया और हैदराबाद के मशहूर फूड ब्लॉगर मोहम्मद जुबैर अली भी आ चुके हैं. शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया. यू कैन फॉलो हिम ऑन हैदराबाद फूड डायरीज ऑन Instagram. आप YouTube कब खोल रहे हैं? वेरी सून. बहुत लोग पूछ रहे हैं खोलने के लिए. इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं खोलने वाला हूं. ठीक है, तो आप हमें बताते हैं, आप मुझे थोड़ा गाइड करिए. ये बैम्बू चिकन है जी. जो बैम्बू में एक्चुअली आया, जैसा कि आपने अभी देखा, व्हाट इज दिस एक्चुअली? सो यहाँ पे 3 रखा हुआ है. एक है उल्वा चारू का वेरी फेमस बैम्बू चिकन जो बनता है बैम्बू में, एंड देन द नेक्स्ट इज कोरामिनो फिश, बेसिकली मरेल फिश जो बहुत ही बढ़िया तरीके से मैरिनेट की जाती है. उसको यू नो प्रॉपरली कटिंग होगा, अराउंड 10-15 टाइप्स, मतलब कट करेंगे उसको, देन मैरिनेशन होगा, एंड देन तंदूर में पकाएंगे इसको. उसके बाद है ये वाला, सो आई कॉल दिस चिकन चिप्स इन बेसिक लैंग्वेज. सो ये आपको पोटैटो रहेगा, ये वाला पोटैटो रहेगा और अंदर चिकन रहेगा. वेरी सिंपल डिश, वेरी वेरी बेसिक डिश, बट अगेन इतनी एडिक्टिव होती है, आप एक खाओगे तो मतलब बार बार खाने का मन करेगा इसको. चलो खा के देखते हैं फिर कैसा है. ठीक है, और मैंने इधर पोस्टर्स देखे, इधर अल्लू अर्जुन आ रखे हैं. जिनका डांस की मैं फैन हूँ, इवन दो आई डोंट अंडरस्टैंड तमिल और तेलुगु, पर उनकी सारी मूवीज आती है ऑन सेट मैक्स. मूवी रिलीज होने से पहले उसका हिंदी वर्जन सेट मैक्स पर आता है और सेट मैक्स पे सिर्फ और तमिल तेलुगु साउथ की मूवी चलती है, चलती रहती है. सो बहुत सारे एक्टर्स आ चुके हैं यहाँ पे, अल्लू अर्जुन, रामचरण तेज, बहुत सारे. रामचरण इज द वन हु वाज इन जंजीर विद प्रियंका चोपड़ा. यस यस, ही इज द सेम वन, एंड ही वाज इन दैट मूवी आल्सो. काजल अग्रवाल का मेघा, मगधीरा. देखा मेरी तमिल नॉलेज देख रहे हो गाइस? तेलुगु, तेलुगु नॉलेज देख रहे हो? सरे सरे स्टार्ट कर दूं? हाँ सरे. ओके, सो फर्स्ट आई विल हैव दिस, दिस इज द बैम्बू चिकन. हाथ से खा ले सर? हाँ, हाथ से खा सकते हैं. चटनी के साथ खाते हैं क्योंकि चटनी तो प्यार है अपना. व्हाट अ मैरिनेड. ऊपर थोड़ा खटास है. मैंने नोटिस करा हैदराबाद के लोगों को खट्टा खाना पसंद है बेसिकली. हाँ, क्योंकि जितना भी साउथ इंडियन फूड होता है उसमें बहुत सारे डिशेस में खट्टा यूज होता है. इमली का खट्टा होता है, नींबू होता है, ये बहुत सारे चीज स्पाइसेस के साथ यूज किए जाते हैं. इट्स अमेजिंग, तो द फ्लेवर एंड एवरीथिंग इन दिस वन इज सो गुड. इट्स स्पाइसी ऑन अ स्पाइसी नोट, बट इट्स डैम गुड. तो मैं ये खाती हूँ फिश चिप्स. It has a very nice potato chip which is folded. उसके अंदर चिकन है और टूथपिक से इन्होंने डाल रखा है और टूथपिक के साथ ही फ्राई कर रखा है. तो खा के देखते हैं. अच्छा, इन दिस आई नोटिस इन बैम्बू चिकन, जो बैम्बू में डाल के देते हैं ना, एक्चुअली आपको बैम्बू का आफ्टर टेस्ट हल्का हल्का आता है. हाँ, तो यू गेट द एसेंस दैट ओके, सो दिस इज इन बैम्बू. ठीक है, अब मैं ये वाला खाती हूँ. दिस इज द फिश एंड, सॉरी फिश एंड चिप्स, दिस इज द चिप एंड चिकन. This is fried chicken actually inside of it. और पर फ्राइड पोटेटो है, तो टेस्ट काफ़ी, इसका बाहर वाला शेल जो है काफ़ी क्रिस्पी हो रखा है आलू का जो है, एंड चिकन इज वेरी सॉफ्ट, बट ऑन द सेम टाइम इट्स स्पाइसी एज वेल. इट इज स्पाइसी, यस. तो इसको पकाते हैं, वेरी वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक रेसिपी. पोटेटो लेंगे एंड देन चिकन का पीस लेंगे, दोनों को साथ में मैरिनेट करेंगे एंड देन डीप फ्राइड कर देंगे. एज सिंपल एज दैट, बट देन आई वुड से यहाँ पे अगर आप आते हो उल्वा चारू में, तो वन ऑफ द मोस्ट
ऑर्डर डिशेस इज दिस. टोटली इट्स वेरी एडिक्टिव एज वेल. तो मुझे बैम्बू चिकन बहुत अच्छा लगा. अच्छा फिश आप खाओगे? क्योंकि मुझे मछली की आंख देखकर मेरी माँ की आंख हो रही है. मैं सोचा दिल्ली वालों को सी फूड बहुत पसंद रहता है. आई लव सी फूड. मैं थोड़ा इधर से खाऊंगी तो मुझे एक काम करते हैं. मैं माँ की आंख खाता हूँ. मछली की आंख एंड देन आप एंडिंग पोर्शन आप खाओ. ठीक है चलो आप ट्राई करके बताओ कैसा लोगों को. आप गलत आदमी को पूछ रहे हो. क्यों? एक तो मैं हैदराबादी और साउथ इंडियन मतलब खाने का बहुत ही बड़ा फैन हूँ. ऊपर से फिश टिपिकल साउथ इंडियन फिश तो ऑब्वियसली अच्छी तो होगी होगी. दिस इज ऑल्सो चालामांजी गांधी. हाँ सर चालामांजी गांधी लेडू डड़ा देगा 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 आ गई तेलुगु. ये बस अर्जुन अल्लू के प्यार में अल्लू अर्जुन के प्यार. तो अब हमने मेन कोर्स भी ऑर्डर करे तो अब देखते हैं मेन कोर्स में क्या. तो गाइज मेरी बिरयानी यहाँ आ गई है. दोनों के नाम क्या क्या हैं? सो हमारे पास दो किस्म के पुलावज हैं यहाँ पे. नॉट बिरयानी टू करेक्ट इट. सो वन इज योर दिस इज द वेरी फेमस राजूगारी कोड़ी पुलाव जो मतलब उल्वा चारों में दी बेस्ट मिलती है एंड सबसे ज्यादा कंज्यूम्ड राइस है राइस डिश है. एंड देन सेकेंड वी हैव इज दिस दिस इज पच्ची मिर्ची कोड़ी पुलाव अगेन. वेरी सिंपल डिश. नो दिस इज अगेन चिकन. बोथ आर चिकन. दिस इज अ वेरी सिंपल डिश. बहुत ही मतलब फ्लेवरफुल डिश है. तो आपको बेसिक रेगुलर राइस रहेगा विद सम कोरिएंडर चिकन ऑन टॉप एंड एग बॉइल्ड एग. बहुत ही सिंपल बहुत ही बेसिक प्रिपरेशन है बट फ्लेवर्स माय फाड़ू है. चलो ठीक है अब खा के देखते हैं कैसा निकालते हैं थोड़ा सा मैं. क्या गरम गरम चावल है. थोड़ा सा ये भी लेते हैं हम. मुझे इनकी बहुत अच्छी बात लगी ग्रीन वाले पत्ते में सर्व करते हैं जो पहले थोड़ा दिल्ली में भी होता था पहले ग्रीन पत्ते वाला फिर वो पेड़ ही खत्म हो गए. दिल्ली में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है. इधर आके तो ऐसा लग रहा है सांस में मेरी सांस मिली तो मुझे सांस. ओह गॉड कितना गंदा गा रही हूँ. प्लीज डोंट अनफॉलो मी यार. खा करते हैं ये वाले चावल. इसका नाम क्या था? ये वाला था राजू गारी कोड़ी पुलाव. कोड़ी पुलाव. ये वाला है पच्ची मिर्ची कोड़ी पुलाव. पच्ची मिर्ची कोड़ी पुलाव. वाओ व्हाट फ्लेवर्स यार. इसका जो ये इसके ऊपर जो ड्रेसिंग है स्टार ऑफ द शो. तो सारी सारी डिश नीचे आप जो राइस देख रहे हैं हाँ. ये बहुत ही सिंपल राइस है. वेरी सिंपल प्लेन कुक्ड राइस. बट ऊपर का जो ग्रेवी रहेगा चिकन ग्रेवी ये हां इट्स नॉट वेरी ग्रेवी इट्स ड्राई सेमी ग्रेवी के लिए सेमी ग्रेवी रहेगा बट दिस इज बहुत अमेजिंग. हां और बहुत अच्छा इसकी वजह से मतलब पूरे डिश का फ्लेवर आपको अच्छी तरह से आएगा. टोटली. अब नेक्स्ट आदन जो ये दूसरा वाला है जो है राजू गारी कोड़ी पुलाव. राजू दूसरा है राजू गोरी कोड़ी पुलाव. ये काफी ज्यादा ग्रेवी में ऑलरेडी है मतलब काफी ज्यादा वाटरी मतलब वाटरी तो नहीं है पर काफी ज्यादा करी में है. तो ये वाला खा के देखते हैं कैसा. मुझे दिखने में स्पाइसी लग रहा है. थोड़ा सा रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारे स्पाइसेस भी यूज किए जाते हैं एंड थोड़ा सेमी ग्रेवी रहेगा. बासमती राइस के साथ बनाते हैं एंड दिस इज आल्सो समथिंग दैट यू नो यू शुड नॉट मिस एट उल्वा चारू. ऐसे बहुत ज्यादा काली मिर्च का फ्लेवर नहीं है. यस बहुत तगड़ा काली मिर्च का फ्लेवर है. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये वाली बिरयानी ज्यादा अच्छी लगी बिकॉज ऑफ द स्पाइसीनेस एंड द फ्लेवर ऑफ द चिकन ऑन टॉप. इट जस्ट रॉक्ड द फ्लेवर गाइस. तो अब हम फिनिश करते हैं अपनी बिरयानी. ठीक है तो विद दिस इट्स अ रैप. आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो बिकॉज आई लव मेकिंग इट. और मैं थोड़ी थोड़ी तेलुगु और सीख रही हूँ. सर सर ले दो. लेडू मीन्स नो एंड सरे मीन्स यस. इसी बात पे सब्सक्राइब माई चैनल जी. नो 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 लेडू 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 लेदू बद्दू बोलता नको नहीं चाहिए बद्दू 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 मीन्स नहीं चाहिए. ठीक है मुझे लेकिन सब्सक्राइब करो वो चाहिए मुझे. तो मैं बोल दूंगा हमेशा ये बोलती है बोल बोल के थक गई है बंदी. लेट मी जस्ट डू इट फॉर यू. सो फॉर ऑल द बेस्ट डिशेस इन दिल्ली एंड ऑल अक्रॉस द कंट्री डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब जिंग इज़ बेस्ट. थैंक यू बाय.